दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ सर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉरएवर पे। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं हर्निया की सर्जरी के बाद होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए इसमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सारे मरीजों को थोड़ी बहुत आती ही आती है, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स भी होती है कि अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपको आती है जिसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन ध्यान देने की जरूरत होती है। एक होता है जैसे घर आने के बाद आपको कई बार नौजिया वोमिटिंग फील होती है, तो ये नशे की दवाई के कारण होता है, लेकिन अगर ज्यादा हो आपको उल्टियां आने लगे तो फिर ये मुश्किल हो सकता है, तो आप ऐसे में अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दूसरा ये होता है कि आपको हल्का फुल्का पेट दर्द डिस्कम्फर्ट जरूर महसूस होता है, तो ये भी नॉर्मल चीज है, दो चार दिन में ठीक हो जाता है। कई बार हल्का फुल्का आपको ऐसा भी महसूस होता है कि वीकनेस आ रही है, कमजोरी हो रही है, ये भी एक नॉर्मल चीज होती है। लेकिन देखिए अगर आपको घर पे आने के बाद बुखार आने लगे और बुखार आपको अगर ठंड लग के आता है तो ये एक बड़ा लक्षण होता है इन्फेक्शन का, और अगर इन्फेक्शन ठीक ना हो तो फिर ये सेप्टिसीमिया होके आपके शरीर में फैल सकता है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे ऑर्गन फेल्योर्स भी हो सकते हैं, मरीज की जान भी जा सकती है। दूसरा होता है कि अगर आपका पेट फूलने लगे, पेट में बहुत तेज दर्द होने लगे, आपको लैट्रिन के रास्ते हवा पास ना हो, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए यानी कि कब्ज भी हो जाए, लैट्रिन भी ना आए, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत की वजह हो सकती है। कई बार आंतों में बंद लग जाता है, खास तौर से नशे की दवाइयों के कारण भी या सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण भी, तो आप इस बात को भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपका जो जख्म है वहां पे पस आने लगे। अगर वहां पे पस आने लगा है, आपको वहां से कुछ डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, तो इसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके शरीर में फैल सकता है, खून में जा सकता है, जिससे सेप्टिसीमिया हो सकता है। इसमें आपको बुखार के साथ ठंड लग के बुखार भी आ सकता है। कई बार घर आने के बाद आपको उल्टियां लग जाती हैं। देखिए किसी भी सर्जरी के बाद उल्टियां लगना अच्छी बात नहीं होती है, तो आप इसको भी ध्यान दें और इसको कभी भी इग्नोर ना करें। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको आता है तो अपने डॉक्टर से फटाफट जाके संपर्क करें, और जो ड्रेसिंग है उसको कराने में एहतियात बरतें। वो आपको एंटीसेप्टिक तरीके से करानी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से करानी चाहिए, अदरवाइज बूंद में इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। उसके अलावा देखिए हर्निया की सर्जरी में अगर जाली लगी है तो कई बार वहां पे भी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। अगर ये आप इसको एक्सेप्ट कर लेती है आपकी बॉडी तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जाली को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तब भी आपको पेट में दर्द हो सकता है, तो ऐसी हालत में भी आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। एक सवाल ये भी पूछते हैं मरीज के, भी जाली वाला ऑपरेशन ठीक होता है या बिना जाली वाला ऑपरेशन ठीक होता है? तो देखिए इसका डिसीजन अपने डॉक्टर को ही लेने दें। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, उन सारी चीजों के ऊपर भी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हर्निया की सर्जरी के बाद बहुत सारे कॉमन सवाल आते हैं। फिर ये भी पूछते हैं कि भाई हम काम पे कब जा सकते हैं, तो उसके लिए देखो आपको कम से कम 2 हफ्ते तो आराम करना चाहिए। तीसरे चौथे हफ्ते में आप हल्का फुल्का ऑफिस वर्क कर सकते हैं, और अगर आपको साइकिलिंग वगैरह करनी है या वॉक करनी है, रनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1.5 महीना 2 महीना वेट करना चाहिए। बाकी खाने पीने की चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्जरी के बाद शुरू के 1 हफ्ते में आप तरल पदार्थ इस्तेमाल ज्यादा करें, हल्का फुल्का भोजन करें, और उसके बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल डाइट की तरफ आएं। 3 से 4 हफ्ते में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। तो कुछ ये ऐसी बातें थी जो आपको सर्जरी के बाद ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आपको कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं और अपनी आप सेहत का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।